Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss a very important topic, and the topic is domestic violence against women. During COVID-19 related lockdown, Indian women filed more domestic violence complaints than recorded in a similar period in the last 10 years. COVID-19 के टाइम इंडियन वुमेन्स ने पिछले 10 सालों के मुकाबले डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट ज़्यादा फाइल की हैं. बट इवन दिस अनयूजुअली स्पॉट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, एज 86% वुमेन हु एक्सपीरियंस डोमेस्टिक वायलेंस डू नॉट सीक हेल्प इन इंडिया. लेकिन ये अनयूजुअली स्पॉट आइसबर्ग का एक छोटा सा टिप है, बिकॉज नियरली 86% वुमेन जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं, उन्हें ना तो किसी की मदद मिल पाती है और ना ही वो कहीं पर भी कंप्लेंट फाइल कराती है. एज वी कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू दिस चार्ट, अलार्मिंग राइज इन द प्रीवियस 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो कितने बढ़ गए हैं. अगर हम स्टेट वाइज से देखें किन स्टेट में कितना बढ़ा है, सबसे पहले अगर हम देखें दिल्ली में कितना राइज हुआ है ये, उसके बाद हरियाणा, देन हिमाचल प्रदेश एंड देन उत्तर प्रदेश. कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा फाइल किए जाते हैं. नॉर्दर्न स्टेट रिसीव हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कंपेयर टू साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया. अगर हम नॉर्दर्न स्टेट से कंपेयर करें साउदर्न स्टेट को, तो जो नॉर्दर्न स्टेट में जो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेज हैं वो बहुत ज़्यादा फाइल किए जाते हैं साउदर्न स्टेट से. बर्न इन साइलेंस, अबाउट 86% वुमेन हु एक्सपीरियंस वायलेंस नेवर सो any help, and 77% of the victim didn't even mention the incident to anyone. Nearly जो 86% women हैं जो domestic violence face करती हैं वो ना तो किसी की help ले पाती हैं और ना उन्हें किसी की help मिल पाती है. And the 77% of victim didn't even mention the incident to anyone. और जो 77% women हैं वो अपने साथ हुए incident को किसी से share तक नहीं करती. Table show that women who suffered from domestic violence against women silent due to peer pressure or emotionally blackmail. ये हम इस table के through समझ सकते हैं कि जो domestic violence face करती हैं women ज़्यादातर चुप ही रहती है, वो किसी से share नहीं करती हैं. तो हम देख सकते हैं कि कितने percent हैं जो share करती हैं, कितने percent जो share नहीं कर पाती हैं, और जो कितने percent हैं जिन्हें help मिल पाती हैं किसी भी resource से. I hope this is easiest way to understand this by this table. Among the victims who saw help, only 70% reached out of the relevant authorities, police, doctors, lawyers, social service organization. और जो victims हैं उनमें से सिर्फ 7% ही relevant authorities जैसे कि police, doctor, lawyer and और कोई भी social service organization तक पहुँच पाती हैं. But more than 90% of the victims sought help only for their immediate friend. लेकिन 90% women's विक्टिम वूमेन जो हैं वो उन्हें सिर्फ अपनी फैमिली से ही हेल्प मिल पाती है, या फिर ये कहें कि वो अपनी फैमिली से ही एक हेल्प की उम्मीद रखती हैं. और ये हम इस चार्ट की हेल्प से समझ सकते हैं कि कितने परसेंट वुमेन को किन से हेल्प मिल पाती है. अब हम देख सकते हैं जो कुछ हमें ऐसे स्टेप्स लेनी चाहिए, द स्टेप्स टेक्स टू एड्रेस दिस इशू, इन इशूज़ को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे लाइक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट है 2005 का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए हमें उसका. डवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एक एक्ट है 1961 का जो दहेज प्रथा के खिलाफ है, हमें उसे भी अच्छे से यूज़ करना चाहिए. वन स्टेप सेंटर स्कीम टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू वुमेन अफेक्टेड बाई द वायलेंस. गवर्नमेंट को एक वन स्टॉप सेंटर स्कीम स्टार्ट करनी चाहिए जैसे जिससे कि विक्टिम वुमेन की हेल्प की जा सके. गवर्नमेंट को इस टाइप की भी एक स्कीम स्टार्ट करनी चाहिए जिससे विक्टिम वुमेन्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हैं वो कम होंगे. एंड देन नेक्स्ट इज अवेयरनेस अमंग द पीपल टू स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन. और लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज सेट अप अ वुमेन सेफ्टी डिवीजन टू एड्रेस ऑल द इश्यूज रिगार्डिंग वुमेन अब्यूज. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक सेफ्टी डिवीजन सेटअप करना चाहिए जिससे कि विक्टिम वुमेन्स को जल्दी से जल्दी हेल्प मिल सके और डोमेस्टिक वायलेंस केसेस को कम किया जा सके. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर. थैंक यू.